और पंजाब के फरीदकोट जिले में एक मेडिकल स्टोर मालिक से गन पॉइंट पर बदमाशों ने करीब 40,000 रुपए लूट लिए। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये वीडियो देखिए, ये घटना का वीडियो है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये घटना रविवार की है। अज्ञात बदमाश आते हैं एक मेडिकल स्टोर मालिक से गन पॉइंट पर, लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। करीब 40,000 रुपए लेकर यहां से बदमाश फरार हो जाते हैं। फरीदकोट की यह घटना है जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यह घटना रविवार की है। तो तस्वीरें देखिए, मेडिकल स्टोर के अंदर की ये तस्वीरें हैं। मेडिकल स्टोर मालिक खड़ा है, तभी अचानक गन पॉइंट पर बदमाश उससे पैसे लूट कर ले जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के केक को लेकर लूट मच गई। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के संभल में बीएसपी कार्यकर्ता मायावती का 67वां जन्मदिन मना रहे थे। कार्यक्रम में केक लाया गया था। केक को देखते ही लोग इस पर टूट पड़े। जिसके हाथ में जितना टुकड़ा आया वो लेकर चलता बना। जहां केक को छीन कर भाग रही भीड़ में शामिल लोग एक दूसरे पर गिरते भी नजर आए, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मायावती का 15 जनवरी को जन्मदिन, बीएसपी के कार्यकर्ता उनका जन्मदिन मना रहे थे। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल की हैं। और यहां पर केक को लेकर कैसी लूट मची, आप वो देखिए इन तस्वीरों में। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो कुदरत का कहर झेल रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका से आई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अमेरिका का कैलिफोर्निया पहले सूखा और उसके बाद जंगल की आग और अब तूफान और बाढ़ की तबाही से जूझ रहा है। इसकी वजह से यहां मौत भी हुई है और बर्बादी का मंजर भी दिख रहा है। मौसम में तबाही का संदेशा, कुदरत से खेला, झेलो डबल अटैक। भारत से अमेरिका तक क्लाइमेट क्राइसिस। भारत के हिमालयी पहाड़ों पर बर्फबारी से एवलांच का डर पैदा हो गया। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बोझ से दबे पहाड़ों से बड़े बड़े हिमखंड टूटने लगे और इस सर्द मौसम का सबसे बड़ा खतरा सिर पर मंडराने लगा। लेकिन भारत से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में भी मौसम का मिजाज तूफानी हो गया है। अमेरिका का कैलिफोर्निया तेज हवा, भारी बारिश और बर्फ की मार झेल रहा है। यहां लगातार कई तूफान आ रहे हैं। भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर साफ साफ दिख रहा है। कईयों का ठौर ठिकाना उजड़ गया है, बिजली गुल हो गई है, घर से बाहर खुले मैदान में रहने को मजबूर हो गए हैं और लोग बारिश के बाद मिट्टी के मलबों की मुसीबत से जूझ रहे हैं। ये बहुत ही मुश्किल था। हमने साफ सफाई की, पिछले 6 दिनों से ऐसे ही हालात है। अब फिर बाढ़ आ गई है, हम शॉक में हैं। हम तो इसके लिए तैयार नहीं थे। अब बर्बादी है, तीसरी बार भी बाढ़ आ गई, इसने हमें हरा दिया है। मेरी पीठ में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है। ये हमेशा मुश्किलों भरा होता है, इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा। कभी अच्छा होता है, कभी अच्छा नहीं होता है। मेरा घर कीचड़ से भरा है, लेकिन फिर भी मैं खुशकिस्मत हूँ। दुनिया में कई लोग इससे भी मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौसम के इस उटपटांगा से मौसम विशेषज्ञ और यहाँ के गवर्नर भी हैरान है। कैलिफोर्निया पिछले कुछ वक्त से सूखा झेल रहा था, उसके बाद जंगल में लगी आग से तबाही मच गई और अब तूफान और भारी बारिश मुसीबतों का सैलाब आ गया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजोम ने कहा है कि 26 दिसंबर से लेकर अब तक 19 लोगों की मौत हुई है और सारा ध्यान जंगल की आग से हटकर तूफान के पीड़ितों के राहत और बचाव पर लग गया है।
लोगों की जान बचाना और संपत्ति बचाना हमारी प्राथमिकता है। अगले 24-48 घंटे हमें सावधान रहने की जरूरत है। 19 लोगों की मौत हुई है। कैलिफोर्निया में हमारा पूरा ध्यान वाइल्ड फायर पर था, लेकिन इस तरह के मौसम ने पिछले 2 साल में जंगल की आग की तुलना में ज्यादा लोगों की जान ली है। कुदरत के मिजाज का ठिकाना नहीं, लेकिन अगर दुनिया कुदरत के इस मार से बचना चाहती है तो उसे कुदरत से खिलवाड़ करना बंद करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।